कीर्तन में करना चाहिए। कीर्तन करने से क्या होगा, मन हमारा ठीक रहता है, मन को थोड़ा आनंद मिलता है और ये मन उदास नहीं रहेगा, डिप्रेशन में कुछ नहीं रहेगा और भगवान का नाम होगा, दोनों काम करता है। तो कीर्तन भी थोड़ा करना चाहिए और मंत्र की खंड भी करना चाहिए, राइट, मंत्र एलिटी और रिफ्लेक्ट एलिटी, रिफ्लेक्ट एलिटी में थोड़ा मनन करना चाहिए। मनन क्या है, संसार के बारे में या तो भगवान के बारे में या तो हमारा लक्ष्य क्या है, ये सब थोड़ा ऐसे ये मनन करते रहना चाहिए। तो ऐसे करके तो गुरुदेव इससे हमें बताते हैं कि हमारे जितनी सब साधना है ये सब साधना थोड़ा थोड़ा हर रोज करते रहना चाहिए। इसमें से जो जितना ज्यादा बढ़ा सकता है उतना अच्छा है, लेकिन इसमें जो खाना है पीना है सोना है उसको ज्यादा नहीं करना चाहिए। साधना जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा है। लिटिल माने वहां उसके अर्थ ये करना चाहिए कम से कम थोड़ा करो, कम से कम कुछ करो, इसका अर्थ है साधना के लिए। और बाकी जो खाना पीना मस्ती करना इसको लिटिल करना, ज्यादा नहीं करना, उसी अर्थ से उसको लेना चाहिए। ऐसे करके तो गुरुदेव ने यही बताया, ये अगर हम दिन भर कुछ ना कुछ हम ऐसे करते रहेंगे तो हमारा मन हमेशा भगवान का चिंतन में ही रहेगा। हमारे मन में ये कभी भी और ये सांसारिक वासना वगैरह नहीं रहेगी, मन में फूर्ति रहेगी। दिन भर हमारा ऐसे ही साधना करते रहेगा, हमारा घर का काम भी होगा, घर में परिवार वालों का जो देखभाल करना है वो भी काम इसी में, वर्क भी बोल दिया उन्होंने, अब काम भी थोड़ा करो, बिना काम के नहीं रहो, तो वो भी करेंगे। उसके साथ साथ साधना भी हमारे चलते रहेगा। साधना जब ऐसी चलेगी तब क्या होगा, हम आगे आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसमें जो सब आखिर में ये सोचना चाहिए, ये जितना सब बताए उसमें से जितना ज्यादा ध्यान करेंगे, जितना ज्यादा जप करेंगे वो सबसे उत्तम। वैसे ही जो पढ़ाई में भी स्टडी भी हमको थोड़ा करना चाहिए, स्वाध्याय भी थोड़ा करना चाहिए। तो ऐसे करके हमारा दैनंदिन जो जीवन है इसी को हमको हरेक साधक इसको करना चाहिए। तो डेली टाइम टेबल करके मैं इतना समय ये करूँगा, इतना समय ये करूँगा, ऐसे अगर करके हम रहेंगे तो हमारा दिन भर ऐसे ही साधना चलते रहेगी। तो साधना होने से हम आगे आगे बढ़ेंगे, हमारा धीरे धीरे भगवान के प्रति हम जा सकते हैं और हमारा ध्यान में अग्रगति होगी, तो साक्षात्कार होगा। इसी को रखे हरेक साधक इसको इसी के अनुसार हमारा दिन को हम चलाते रहना चाहिए, तब हमारा साधना ठीक रहेगा। धन्यवाद। हरिओम तत्सत। भगवान का आशीर्वाद, गुरुदेव का आशीर्वाद हम सब के ऊपर हो, ताकि हम दिन भर ऐसे ही कुछ न कुछ साधना करते रहे और ज्यादा ध्यान ज्यादा जप। ओ ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्तिः मामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्तिः मामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्तिः मामृतात्। ॐ सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।